हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएसबी। इस चैनल में हम रिक्रूटमेंट और भर्ती के रिगार्डिंग की वीडियो अपलोड करते हैं। सो अगर आप इस चैनल में नए हैं और हमसे इस तरह की भर्ती और रिक्रूटमेंट के अपडेट चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे सभी अपडेट, जैसे हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएगा। ये एक रोलिंग एडवर्टाइजमेंट है, रिक्रूटमेंट टू फैकल्टी पोस्ट इंक्लूडिंग बैकलॉग वैकेंसी ऑफ एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। ये रिक्रूटमेंट देखें तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रायपुर से आया है। इसका ओपनिंग डेट है वो 22 मार्च 2024 है, एंड द एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड अनटिल फर्दर नोटिस। यानी कि ये एक रोलिंग एडवर्टाइजमेंट है, ये जब तक कोई इसका नोटिस नहीं आता क्लोजर का तब तक ये एक्सेप्टेड होगा। लेकिन इसका एलिजिबिलिटी के लिए क्राइटेरिया होगा, फर्स्ट कट ऑफ डेट फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज 21 अप्रैल 2024, एंड द सेकंड कट ऑफ डेट विल बी पब्लिश ऑन दिस वेबसाइट। नाउ देखें तो द डायरेक्टर एम्स रायपुर इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन नेशनल पर्सन रजिस्टर्ड एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। तो देखें तो प्रोफेसर, इसका एकेडमिक लेवल 14 है। इसकी स्टार्टिंग जो बेसिक पे स्टार्ट होगी वो 1,68,900 से, एंड एडिशनल प्रोफेसर का देखें तो लेवल 13A2+ है, 1,48,200। एसोसिएट प्रोफेसर का लेवल 13A1+ है, 1,38,300, एंड असिस्टेंट प्रोफेसर का लेवल 12, उसका बेसिक पे स्टार्टिंग 1,01,500 से स्टार्ट। उसके अलावा आपको अदर यूजुअल अलाउंसेस भी एज पर इंस्टीट्यूट नॉर्म्स आपको मिलने वाले हैं। नाउ इसका क्वालिफिकेशन देखते हैं। तो फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर के लिए उनमें से एसेंशियल फॉर मेडिकल जो कैंडिडेट है उसको जो क्वालिफिकेशन वो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के अंतर्गत है। पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन लाइक एमडी एमएस और रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन इक्वल में होना चाहिए, एंड और एमसीएस और सर्जिकल सुपर स्पेशलिस्ट एंड डीएम फॉर मेडिकल सुपर स्पेशलिस्ट एंड 2 or 3 or 5 years रिकॉग्नाइज्ड कोर्स और क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड इक्विवेलेंट में होना चाहिए। एक्सपीरियंस भी दिया गया है, 14 इयर्स का टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, और देखें तो 12 ईयर का टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट आफ्टर ओपनिंग द डिग्री ऑफ एमसीएस एंड डीएम में। और भी देखें तो 11 ईयर्स का टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस आफ्टर ओपनिंग पोजेसिंग 3 ईयर्स रिकॉग्नाइज्ड डिग्री ऑफ डीएम एमसीएस में। और नॉन मेडिकल कैंडिडेट के लिए देखें तो पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन लाइक मास्टर डिग्री होना चाहिए एंड डॉक्टरेट डिग्री इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, एंड एक्सपीरियंस देखे तो 40 इयर्स का टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। ना यहाँ देखे तो एडिशनल प्रोफेसर के लिए क्वालिफिकेशन दिया गया। इस वीडियो को होल्ड करके आप इसका भी क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं। ना ये एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है, एंड ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। नाउ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स के लिए देखें तो जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो उनको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। यहाँ पर ये इंस्टीट्यूट का साइट दिया गया है, आपको वहाँ पर जाके अप्लाई करना है। एंड द फर्स्ट कट ऑफ डेट यहाँ पर दिया गया है 21 अप्रैल 2024 दिया गया है। नाउ देखें तो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू मैंडेटरी सेंड अ ड्यूली साइन प्रिंट आउट ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि आपको अप्लाई करने के बाद ऑल डॉक्यूमेंट के साथ आपको प्रिंट आउट के बाद आपको डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं बाय थ्रू द स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट विद इन 7 days। ओके, तो आप जब अप्लाई करते हो तो आप एनवेलप के ऊपर सुपरस्क्रिप में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना, सपोज आप प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जिसमें अप्लाई करना चाहते, जिस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना चाहते हो वो यहाँ पर लिखना है एनवेलप में और इस एड्रेस पर सेंड करना है। नाउ देखें तो रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स डिटेल्स ऑफ वैकेंसी इंक्लूडिंग बैकलॉग वैकेंसी फॉर ऑफ एस सी एस टी ओ बी सी लेके। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट दिया, यहाँ पर प्रोफेसर की है, यहाँ पर एडिशनल प्रोफेसर के लिए, यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी दिया गया है, तो आप इस डिपार्टमेंट में जिसमें भी आप आते हो तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रांट मिला के, टोटल मिला के ये 129 के लिए ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया है। नाउ प्रोसीजर फॉर फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर साइट दिया गया, आपको वहाँ जाके ही अप्लाई करना है। नाउ एप्लीकेशन फी देखें तो फॉर द जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो आते हैं उसको ₹3,000 का एप्लीकेशन फी है, एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी ऑल वुमन कैंडिडेट एंड एक्स सर्विसमैन को कोई भी एप्लीकेशन फी पे नहीं करना है। नाउ एज लिमिट देखें तो फॉर पोस्ट ऑफ प्रोफेसर एंड एडिशनल प्रोफेसर के लिए नॉट एक्सीडिंग 58 ईयर्स, एंड एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नॉट एक्सीडिंग 50 ईयर्स। उसके अलावा आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, अगर आप एस सी एस टी में तो 5 years का, ओ बी सी एन सी एल में है तो 3 years का, एंड अदर भी कैंडिडेट्स को यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिल सकेगा। सो अगर आप ऑल क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं
अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप डिटेल में चेक कर सकते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।